आज सुहागी थाना क्षेत्र में एक मुखबिर सूचना मिली थी कि एक गाड़ी टाटा इंडिका विस्टा खड़ी है और संभावित है कि उसमें कुछ अवैध एनडीपीएस यानी गांजा वगैरह उसमें है, और जिसके आधार पर तत्काल वहां पे घेराबंदी करके उनको पकड़ा गया, रोका गया गाड़ी को। तो उसमें हमको एक व्यक्ति और उसके साथ वो पूरी गाड़ी में जो था अवैध एनडीपीएस यानी गांजा मिला उसमें, और करीब उससे हमको 52 किलो 500 ग्राम गांजा इसमें मिला है। अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ में हमको पता चला है, ये इसके साथ अन्य साथीगण भी इन्वॉल्व हैं। जो इसमें जो आरोपी हमको मिला है उसका नाम सुनील कुमार पासी, ये जिगना जिला मिर्जापुर का रहने वाला है। जो अभी तक इससे पूछताछ में पता चला है कि इसके साथ अन्य साथी थे और एक और गाड़ी इसमें इन्वॉल्व है, उसका नंबर उसको नहीं मालूम, लेकिन अभी पूरी उसमें हम पतराशी कर रहे हैं। और जो जो रूट था ये पता है कि उसने उड़ीसा से इन लोग ने माल लिया है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ बॉर्डर से, और वहाँ से लेके और प्रयागराज में इसको माल को ले जा रहे थे। अभी इसके साथीगणों के बारे में और अन्य सोर्स के बारे में इससे पूछताछ जारी है, बाकी चीज जैसे पता चली उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नहीं बिल्कुल, जैसी सूचना मिलती है हम लोग कार्रवाई करते हैं। कई कुछ सूचनाओं पे कई बार मिस हो जाती है, लेकिन जनरली कोशिश रहती है कि घेराबंदी करके और लोगों की टीम लगा के इसमें पकड़ने की कोशिश करते हैं, और आगे भी जैसे सूचनाएं होंगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और सभी जनता से भी अपील करता हूं कि मुझे भी आप लोग बता सकते हैं, किसी मेरे वरिष्ठ अधिकारी को भी आप फोन करके बता सकते हैं, कोई ऐसी सूचना लगती है, कोई ऐसी जानकारी लगती है, और कोई भी अगर ऐसी बड़े रूप से अवैध कारोबार कहीं चला तो उसकी भी जानकारी आप बता सकते हैं। ये बिल्कुल है, 2-3 घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें आरोपी हमको नहीं मिल पाए, इसमें तो मिले हैं और इसे आगे की लिंक भी बिल्कुल डेवलप होगी, लेकिन जितने साक्ष्य हैं उसके आधार पर भी हम कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा इसमें आरोपियों की पहचान हो सके और उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ उसमें अपराध में विषय जारी किया जाता है। निश्चित रूप से ये उड़ीसा छत्तीसगढ़ फिर एमपी का भी होता है, तो कभी कई बार होता है कि जहाँ एमपी में एंट्री हुई वहाँ पे पकड़ा गया, छत्तीसगढ़ पुलिस को अगर जानकारी मिलती तो ये पूरा इंटेलिजेंस बेस्ड या जानकारी बेस्ड या मुखबिर सूचना बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं, तो जिसको जैसी जानकारी मिलती है उस आधार पर वो कार्रवाई करते हैं। कई बार हो सकता है कि जब वो छत्तीसगढ़ क्रॉस हो गए तब एमपी में किसी जिले को उसकी जानकारी मिली तो फिर उन्होंने कार्रवाई की, इस प्रकार से लगातार होता है ये। और जहाँ तक है ये इसमें एक पायलट गाड़ी यूज़ करते हैं, एक जिसमें गाड़ी में जिसमें अवैध वो चीज़ें होती हैं, चाहे शराब हो या फिर गांजा हो या अन्य चीज़ें, तो उसमें एक दूसरी गाड़ी होती है, और जब चेकिंग लगती है तो पायलट गाड़ी जनरली दूसरी गाड़ी को आगाह कर देती है, और जिसकी वजह से जब तक प्रॉपर इंटेलिजेंस प्रॉपर मुखबिर सूचना नहीं हो तब तक वो कार्रवाई सफल नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार का मोडस ऑपरेंडी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग सभी लोग इसमें कोशिश करके उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं और लगातार इस प्रकार की कार्रवाई जारी रखेंगे। अभी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें सीजर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी एनडीपीएस की वो आ रहे हैं अवैध सामान आ रहे हैं उसको हम कार्रवाई करें, चाहे वो शराब हो, चाहे वो गांजा हो, चाहे वो कोरेक्स हो, उसके जैसे सिरप्स हो, तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करेंगे। और विवेचना में चीज़ें आएंगी, क्या इसको चुनाव की वजह से किया जा रहा है कि अन्य नॉर्मल उसको कमर्शियल फायदे के लिए किया जा रहा है, वो सारी चीज़ विवेचना में आएंगी। नहीं बिल्कुल, जैसे अभी आपने बताया चेन स्नैचिंग, तो उसमें थोड़ी देर से लेकिन हमको 2 ग्रुप्स अच्छे पकड़ने में सफलता मिली है। अभी ये पता चला है कि 2 अन्य ग्रुप उसमें फिर से सक्रिय हुए हैं, तो उनके पीछे भी हम लोग लगे हुए हैं,
और जहां तक बाकी घटनाएं हैं जैसे व्यापारी की लूट, उसमें भी लगातार विवेचना जारी है, उसमें भी निश्चित रूप से हमको जल्दी सफलता मिलेगी। और कोशिश यही है कि ज्यादा ज्यादा अपराधों की पतराशी हो और जो इस प्रकार के अपराध करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो।